आप जापान में पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, ठीक है। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। चलो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जापान में काम करना कैसा होता है या जापान में कैसे काम ढूंढ सकते हैं। दरअसल जापान में अब बहुत ज्यादा काम करने के मौके हैं, और अगर आप जापानी कंपनी में काम करेंगे तो कम से कम 2,00,000 येन यानी 1.5 लाख रुपए तो आप कमा सकते हैं एक महीने में। तो अगर आप जापान में आके काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देखना अच्छा होगा, ठीक है। और आज मैं दो इंडियंस जो जापान में काम कर रहे हैं उन लोगों को इंटरव्यू करने वाली हूँ। एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है। तो उन लोगों को इंटरव्यू करके आपको बताऊंगी जापान में काम करना और जापान में काम ढूंढना कैसा होता है, ठीक है। तो शुरू करें। मेरा नाम दिलीप है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं जापान के क्योटो नाम के शहर में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अभी 1.5 साल हो गया यहाँ पे जॉब करते हुए। एक मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए मैं काम करता हूँ जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मशीन बनाती है। ओके, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम आकाश है और मैं जापान में पिछले 5 या 6 सालों से रह रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मैं चेन्नई से इंजीनियरिंग किया हूँ, SRM यूनिवर्सिटी है, वहाँ से 4 साल का कोर्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ वहाँ से। और 4 साल के बाद मैं जापान आया लैंग्वेज सीखने के लिए। 1.5 साल तक यहाँ पे मैं जापानीज लैंग्वेज सीखा एक स्कूल में। अच्छा। फिर लैंग्वेज सीखने के बाद मैंने जॉब इंटरव्यूज दिए, फिर वैसे मतलब कॉलेज था दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में है, और मेरा यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट थी। सो बेसिकली जापान की कुछ कंपनियां अभी इंडिया में भी हेड हंटिंग करती है कि मतलब प्लेसमेंट के लिए जाती हैं, वहाँ से सीधा सीधा एम्प्लॉयज को हायर करती हैं। तो उसी के थ्रू मैं 2014 में आया था यहाँ पे। मेरे केस में क्या हुआ कि मैं लैंग्वेज स्कूल किया 1.5 साल तक, फिर मैं इंडिया चले गया वापस। इंडिया जाने के बाद क्योंकि मुझे जापानीज अच्छे से आ गई थी उस समय, इंडिया जाके मैं इंडिया से अप्लाई किया। यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनीज है जापान में, वन ऑफ द कंपनीज का नाम है एशिया टू जापान करके, और भी बहुत सारे हैं, निक्के भी है, निक्के करके एक और है। तो उनमें मैंने अप्लाई किया, उन्होंने पोर्टल खोला था कि जापान में जॉब हंटिंग ये हो रहा है, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। तो मैंने उसमें फॉर्म फिलअप किया। उन लोगों ने पूरे एशिया से 50 लोगों को सिलेक्ट किया, जिन लोगों की जापानीज अच्छी थी और जिन लोगों का टेक्निकल स्किल अच्छा था, या फोर्थ ईयर में जो उन लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, फोर्थ ईयर में जो थीसिस लिखते हैं उसमें से जिसका अच्छा लगा, उन लोगों को पूरे एशिया से 50 लोगों को सिलेक्ट किया, और उन लोगों को फ्री में टोक्यो बुलाया, और फ्री में पूरा अकोमोडेशन सब कुछ दिया, फ्री में, एक भी रुपया ली नहीं हमसे। और कम से कम 7-8 कंपनी उसको इंटरव्यू करवाया, उसमें यामाहा भी थी, होंडा भी थी, मित्सुबिशी था, आर्क्रे है, और बहुत सारी कंपनीज थी, ओमरोन भी था उसमें, जो जापान की बहुत फेमस है ओमरोन कंपनी। तो उसमें से सबको इंटरव्यू कराया, जिनको हमारा रिज्यूमे अच्छा लगा उन लोगों ने हमसे इंटरव्यू किया, और अगले दिन ही रिजल्ट दे दिया। अच्छा। फिर उसके बाद हमें अप्रैल से हमें जॉब ज्वाइन होने मिला। एक मिनट, तो ऐसा आप तो ऑलरेडी जापान में रहकर जापानीज सीख रहे थे ना? हाँ, मैं जापानीज सीख रहा था, पर 1.5 साल के बाद मेरा वीसा एक्सपायर हो गया था, और मैंने क्या, मेरे से गलती क्या हो गई थी कि मैं जब जापान में था जॉब हंटिंग नहीं किया, मैं पूरा मतलब इंटरेस्टेड था कि सिर्फ लैंग्वेज सीखूं। जब मैं इंडिया वापस आया, इंडिया में सोचा जॉब हंट करूंगा, जॉब मिलेगा, पर इंडिया में उतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है जी, इंडिया में बहुत एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो मैंने सोचा जापान में अप्लाई करते हैं, तो मैंने कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू अप्लाई किया, वहां पे मेरा लक अच्छा चला। तो उन लोगों को, इंटरव्यूअर को मेरा जापानीज बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्टी अच्छा लगा उन लोगों को, तो उस कारण जॉब मिल पाया। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जॉब्स में क्या होता है, बहुत सारे जॉब हंटिंग है, ओसाका में जॉब फेयर होता है और टोक्यो में भी जॉब फेयर होता है, पर वहां पे क्या है कि जो बड़ी कंपनीज है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, उन लोगों को मतलब सीधे बात करना नहीं चाहते वो लोग, पहले वो लोग रिज्यूमे लेना चाहते हैं, सीवी पढ़ना चाहते हैं, बहुत टाइम लेते हैं वो लोग, बड़ी कंपनीज जो है। अच्छा। तो कंसल्टेंसी कंपनीज जो है वो प्रोसेस आसान करती है एप्लीकेशन का, सीधे आप अगर अप्लाई करने जाओगे वो लोग बात नहीं करेंगे आपसे। अच्छा, तो कंसल्टेंसी कंपनीज के थ्रू जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन।
अगर आपको पता होगा कि इंडिया में वैसे भी जो भी बीटेक डिग्रीज होती हैं वो 4 साल की होती हैं, फोर्थ ईयर में आपको प्लेसमेंट चालू हो जाती है, मतलब नौकरी के लिए आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं. आई थिंक इट्स द सेम इन द जापान एज वेल, द फाइनल ईयर पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब. जापान में थोड़ा अलग है, थर्ड ईयर से जॉब हंटिंग शुरू होता है. थर्ड ईयर बहुत जल्दी, इसलिए हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ाई नहीं करते. Anyway, sorry. अगर आपकी कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट हुई है तो उसमें होता है कि जो कंपनी है वो बहुत कुछ करती है आपके लिए, जैसे कि वीजा की प्रोसेसिंग वगैरह होती है. एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो कि आपको रिक्वायर होता है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द वीजा, तो ये सब कंपनी आपके लिए प्रिपेयर करती है. इसमें ये भी होता है कि जितनी बड़ी कंपनी है उतना आपके लिए इजी हो जाता है, और जितना अच्छा आपका इंस्टीट्यूट है इंडिया में उतना अच्छा क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसमें इजी होती है कि मिलना. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट कुछ मतलब जाना पहचाने टॉप 10 में नहीं आता, टॉप 50 में नहीं आता, तो आप जापान में काम नहीं कर सकते. ऐसे बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ यहाँ पे, जो मित्र भी है मेरे, दे वर्क हार्ड, और मतलब काफी बहुत सारी चीजें होती हैं जापान में नौकरी के लिए. एक तो होता है कि आपने किसी इंडिया में भी किसी जापानीज कंपनी के साथ में काम किया है तो वो तो सबसे सिंपल रूट हो गया कि वहां से आपको किसी असाइनमेंट के लिए जापान में बुलाएंगे, और कोई depending on which type of work is, sometimes it is software, electronics or manufacturing, mechanics. तो एक तो वो रूट हो गया. दूसरा हो गया कि जो मेरे वाला था उसमें था कि जो जापानीज कंपनीज हैं वो इंडिया में जाती हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहां से आप रिक्रूट होके आ सकते हो. अगर वो कॉलेज इतना फेमस नहीं हो और कॉलेज के अंदर में ऐसा सिस्टम नहीं हो कि कंपनी जापानीज कंपनी लोग इंडिया आके मतलब रिक्रूटमेंट वाले आके जॉब देते नहीं, इंडिया के सब कॉलेज में ऐसा अपॉर्चुनिटीज नहीं होगा, तो तब क्या करेंगे? आपके दोस्त में ऐसे लोग हैं जो मतलब खुद ढूंढ के एप्लीकेशन करके जापान पे जॉब मिला है? अरे हाँ है, एक तो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मतलब हाँ. उसका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ. जब सेम जापानीज कंपनी जो हमारे कॉलेज में आई थी उसने कॉलेज से अलग अप्लाई किया था उसमें. अच्छा. तो उसके मतलब कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट नहीं हो पाया उसका, लेकिन कॉलेज के बाद जब उसने अप्लाई किया तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया. लेकिन उसमें सब कुछ प्री रेक्विजिट होते हैं, मतलब कुछ चीजें आनी चाहिए. अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे, खुद से आपको आवेदन करना है, और वो भी स्वाभाविक भी है क्योंकि जब आप कोई जापानीज कंपनी इंडिया में रिक्रूट करने के लिए जाती है तो उसके क्रेडिबिलिटी पता होती है कि किस कॉलेज में जा रहे हैं. वहाँ पे मतलब थोड़ा वो रहता है कि बैकग्राउंड चेक वगैरह, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब सब कुछ एकदम के थ्रू जाता है. तीसरा केस है थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, इसमें है कि जो अगर लोग खुद से आवेदन करेंगे उनमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी. आपको पता है कि भाई जापान में तो सब कुछ जापानी चलता है, जापानी में चलता है. अगर कोई भी या तो फिर कोई बड़ी कंपनी होगी जिसमें इंग्लिश वगैरह बोलते हैं कि इंडियन से लोग सीधा आके बोलेंगे, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ अंग्रेजी में हो और फिर मतलब सब कुछ पास करके सब चीजें स्मूथ चले जाएं. इसके साथ में मैं ये एक रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप खुद से जापान आने की तैयारी मतलब आने का सोच रहे हैं, आवेदन करने का सोच रहे हैं, तो उसमें बेटर रहेगा कि आप थोड़ी जापानी भी सीख लें. हाँ, हाँ. जापान में अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो एक डिग्री तो होनी चाहिए, ऊपर से नॉलेज भी होनी चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जापानीज में कम से कम JLPT N1 या N2 लेवल की प्रोफिशिएंसी चाहिए जापानीज में. मुझे लगा N3 हाँ. भी चलेगा, नहीं चलेगा? N3 N4 भी चलेगा, वो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में. अच्छा, अच्छा. N2 या N1 कम से कम चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि लोगों से ये ऐसा फील्ड है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जिसमें लोगों से बहुत बात करना होता है ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा इंटरेक्शन करोगे इंटरेक्शन लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है. और जापानीज स्किल लेवल जो है हाई होनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग में जो बात करते हैं या पूरा जो जापानीज है टेक्निकल जापानीज है वो N3 पढ़ के समझ में नहीं आएगी. N2 या N1 चाहिए कम से कम. मैं भी N1 दिया हूँ पर N1 थोड़ा फेल हो गया था 2-3 नंबर से, पर मुझे लगभग समझ में आती है जापानीज, सामने वाला क्या बोल रहा है, तो इसी कारण जॉब कर पा रहा हूँ मैं मैकेनिकल में. हाँ, तो आपके पास N2 है ना, तो N2 लेवल होने की वजह से आप जापान में जापानी में काम करने के लिए दिक्कत है या आपको कई को आती है, वो भी जरूरी है आप बताइए. जापान में N2 है मेरे पास पर फ्रेंकली बताऊं तो बहुत प्रॉब्लम होती है. अच्छा. नॉर्मल कन्वर्सेशन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है जापानीज लोगों के साथ, पर जब ऑफिस में जब टेक्निकल बातें होती है, क्योंकि टेक्निकल बातें उतनी अच्छे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इंडिया से किया हूँ, और यहाँ पे जो बातें होती हैं जो लोग हैं उन लोगों ने इंजीनियरिंग की है जापान से. हाँ. तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो टेक्निकल है जो लोगों ने पढ़ी है 4 साल में
वो सब मैं इतनी जल्दी समझ नहीं पाऊंगा, तो मुझे हर दिन प्रैक्टिस करना होता है, हर दिन समझ, हर दिन नए वर्ड सुनता हूँ, लिखता हूँ, उसे प्रैक्टिस करता हूँ, तो वैसे वैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ कंपनी में। अच्छा, इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है, N2 N1 के बाद भी समझ में नहीं आएगा पूरा जो काम का, जो टेक्निकल, हाँ टेक्निकल टर्म्स नहीं है ना इसलिए। हाँ सही कहा, थोड़ा अलग होता है। हाँ ठीक। और केगो कैसी है? केगो में केगो, कुछ लोगों से सवाल आया था इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मेरी केगो अच्छी है, मेरी केगो बहुत अच्छी, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी में हम लोगों को मेल बहुत करने होते हैं, बाहर के लोगों को करने होते हैं और अंदर के भी लोगों से जिनसे बात करते हैं हम लोग। जैपनीज में मेल करना, मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें प्योर केगो यूज होता है और उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, इस समय पे ऐसे ऐसे वर्ड यूज करो, इस समय पे ऐसे वर्ड यूज करो, तो केगो का अच्छा आइडिया है मुझे। आपके जापानीज लेवल क्या है? जापानीज लेवल तो बहुत खराब है। JLPT में देखा जाए तो मेरा N3 है, N3 तो पता होगा, मीडियम। हाँ हाँ हाँ। वो जापान आने के बाद या आने से पहले? ये जापान आने के बाद, जब जापान आए थे तब तो कोनिचिवा के सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि जापान आएंगे सिर्फ आप काम ही करेंगे और उसके बाद में कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको सोसाइटी भी है, यहाँ पे एक समाज भी है, उसके साथ में मिलजुलना है, थोड़ा बातें भी करनी, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधे ऑफिस जाओ, वहां से सीधा घर आ जाओ, बस काम हो गया, तो आपको थोड़ा सोशल भी रहना पड़ता है। और आपको पता है मतलब जापान की जो कंपनी है उनमें तो बहुत सारी मीटिंग होती है खाने पीने की, तो उसमें मतलब सब लोग मिलते हैं, तो उसमें बेटर रहेगा कि अगर आपको जापानी आती है तो आप लोगों से अच्छे तरीके से, मतलब काम के अलावा भी थोड़ा रिलेशन अपने अच्छे कर सकते हैं, तो मतलब उससे आपका काम का तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक क्या बोलते हैं कनेक्शन बन जाएगा आपको लोगों से, तो आप बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे। जब मैं जापान में आया था तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता था, लेकिन हमारे केस में ये हुआ कि बड़ी कंपनी थी तो उसने हमको मतलब एक ट्रेनिंग भी होती है, बड़ी कंपनी का फायदा ही होता है कि आपको ट्रेन करा सकते हैं, मतलब 3 महीने 4 महीने, तो मतलब काम के साथ में दे विल प्रोवाइड इफ यू आर कमिंग इन अ लार्ज नंबर, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको वो एक ग्रुप में टीचिंग करा सकते हैं। मैंने जापान में थोड़ी कंपनी बदली है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बाद में कहूंगा, लेकिन जो मेरी सबसे पहली कंपनी थी उस वो टिपिकल जैपनीज सेल्स कंपनी थी, तो उसमें बहुत सारे लोग सारे जापानीज ही थे, मल्टीलिंगुअल लोग थे, बट बहुत ही लिमिटेड, आप बोलेंगे उसका कि लेस देन 5%, लेकिन फिर भी मतलब दिक्कत नहीं थी। जब आए हम तो हमारे साथ में एक इंटरप्रेटर था इनिशियली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अगर आप किसी टिपिकली जैपनीज कंपनी में चले गए ना तो उसमें अगर आपको जैपनीज आती है तो आप के काम पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो इंटरप्रेटर रखेंगे तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप आ जाता है। ये बहुत लोगों ने पूछा है कि जापान में इंजीनियरिंग काम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं, सैलरी कितनी है, तो आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? US या जर्मनी या उन देशों से तो कम है, पर जापान में अराउंड 1 महीने की 2,20,000 या 2,50,000 तक है, एक मैकेनिकल इंजीनियर इतना कमाता है महीने पे, और उस टा येन 2,20,000 येन पर मंथ है, और वो स्टार्टिंग जब करियर अपना स्टार्ट करता है बेसिक सैलरी है, अगर वो 5-6 साल अगर काम करे तो, और कंपनी चेंज करे 5-6 साल के बाद अगर, तो उसकी सैलरी 5-6 लाख महीने की तक जाएगी, ये कह सकते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे ना तो आपका होता है, एक होता है सैलरी नेगोशिएशन कंपनी ज्वाइन करने से पहले होगा, ठीक है, उसमें मतलब वो डिपेंड करेगा आपके जो एक्सपीरियंस है अभी तक का और नेगोशिएशन जो आप कंपनी के साथ में करोगे। ऑब्वियसली जैपनीज लैंग्वेज एक फैक्टर रहेगी, लेकिन उसकी वजह से एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास स्किल काफी अच्छे हैं तो आप उसको मतलब कवर अप कर सकते हैं इजीली। बहुत सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं ऐसे कि दे आर गेटिंग अ हैंडसम सैलरीज एंड वेरी वेल इन जापानी, सो जापानी अच्छे से नहीं बोल सकते लेकिन उनकी सैलरी अच्छी है। थोड़ा नंबर तो बताइए, अगर फ्रेशमैन है और जापानीज नहीं आती लेकिन बेसिक आईटी स्किल्स तो है, तो उनको कितनी मिलेगी? इसके लिए मैंने ना एक थोड़ा वो किया है, इंटरनेट पे सर्च किया है, मतलब ये डेटा ना कोई बड़ा सीक्रेट डेटा नहीं है, गवर्नमेंट इसको सर्वे वगैरह होते रहते हैं तो इसमें निकलता रहता है इसमें। हाँ हाँ, ये गाइजिन पोर्ट ब्लॉग, हाँ हाँ हाँ, ये वाला, तो उसमें देख सकते हैं आप, थोड़ा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो एक शीट आएगी, उसमें लिखा है जनरल इंडस्ट्री एवरेज एनुअल सैलरी फॉरेनर्स इन द इंडस्ट्री एंड देन मंथली सैलरी, मतलब जापानीज फॉरेनर्स में थोड़ा फर्क तो है लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं है, इसलिए आप ये फर्क ना थोड़ा कहना मुश्किल है किस टाइप का है, क्योंकि दोनों क्लासेस मिल जाएंगे आपको,
फॉरेनर्स को कम सैलरी मिल रही है और ज्यादा सैलरी मिल रही है डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स। और आप जापान में देखेंगे कि थोड़ा जो नॉर्मल फैक्टर है वो है कि काट देना बाद में इसको, जो है कि मतलब लड़कियों को थोड़ा कम सैलरी मिलती है कंपेयर टू द दैट्स बैड दैट्स सो बैड। और आई एम जस्ट क्यूरियस लाइक इन इंडिया में कैसा होता है कि अगर सेम स्किल सेट है तो इंडिया में बराबर लड़कियां और लड़के लोग सैलरी मिलती है या ये फर्क भी होती है जापान से? तो इंडिया में ये स्थिति काफी सही है, तो ये है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्किल्स देखते हैं लोग तो। हाँ हाँ हाँ, जापान में हाँ ऐसा होता है कि आज तक मैंने मतलब बराबर मिला है, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा होता है मुझे लगता है कि फ्रेशमैन जापानीज कॉलेज स्टूडेंट्स जब जॉब मिलते हैं तब बराबर है, लेकिन टाइम के साथ थोड़ा बदलता है, क्योंकि अगर लड़कियां मतलब प्रेग्नेंट हो जाएं और थोड़ा काम छोड़ना पड़ेगा तो मतलब सैलरी कम हो जाती है। आपको लगता है जापान में काम करना मुश्किल है या आसान है, आपको कैसा लगता है? एक इंडियन के लिए ना जापान का वो जो वर्क कल्चर है बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे लोग कोई भी काम हो वो पूरा मिलिट्री, जैसे ऐसा लगता है कि हम लोग युद्ध वॉर कर रहे हैं, बहुत मतलब मिलिट्री वाला वो है इनका वर्क कल्चर जो है। आपको कब ऐसा लगता है? टाइम सुबह 9 बजे ऑफिस स्टार्ट होता है, पर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 30 मिनट पहले आ जाओ कंपनी को। तो वो लोग लेट होना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, लेट होना मतलब यहाँ पे पाप माना जाता है और ट्रस्ट खो देते हैं इन लोग। अगर आप लेट होते हो किसी चीज में वो ऊपर का जो आदमी है आपसे ऊपर का वो आप में ट्रस्ट खो देगा। और एक और चीज है, हर दिन सुबह ऑफिस जाते हैं, एक मीटिंग होती है, मॉर्निंग असेंबली होती है अपने टीम में, तो उस मॉर्निंग असेंबली में सबको बोलना होता है कि आप में इस महीने मैंने ये काम किया और मुझे ऐसा सा फील हुआ, बोलना होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा या जो भी फील हुआ है आपको। आप और मेहनत करना चाहते हो ऐसा मतलब आप काम के बारे में क्या सोचते हो, अपने ऊपर के लोगों के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप ऑनेस्ट हो, ये सब चीजें मतलब बात करनी होती है कंपनी में। अच्छा। खुलेआम सुबह सुबह 9 बजे, ये भी नहीं कि दारू, हाँ ये भी नहीं कि मतलब हर रोज, हाँ हर रोज एक आदमी करता है पूरी टीम में। अच्छा अच्छा, हाँ टीम में 20 लोग हैं तो हर रोज एक आदमी या ऑनेस्टी के बारे में बात करेगा या मेहनत करना क्या होता है, मैंने इस महीने ऐसा सा काम किया हूँ इससे मुझे ऐसा सा फील हुआ और मैं सोच रहा हूँ कि और ऐसा इम्प्रूव करना चाहता हूँ अपने आप को। अच्छा। या बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है, 100% ऑनेस्टी के साथ ये लोग काम करते हैं किसी भी चीज को। और एक और बात है, जैसे इंडिया में होता है कि मतलब कोई काम नहीं हुआ दूसरों पे टाल देते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। अच्छा। किसी चीज का नहीं होने पे काम करते समय मैंने थोड़ा दिखा है चीज, यहाँ पे भी ऑफशोर टीम है इंडिया की, उन लोगों से जब काम कराते हैं वो लेट हो जाते हैं तो ब्लेम किसी और को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया करके। अच्छा। जापान में ब्लेम नहीं कर सकते, अगर आपने गलती की है या काम लेट हुआ है यू आर रिस्पॉन्सिबल, अब और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पूरा वो मिलिट्री वाला कल्चर है यहाँ पे। अच्छा। काम करते समय और काम खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद लोग घर जाते हैं यहाँ पे। कितने बजे काम खत्म हो जाता है आपके कंपनी में? मेरे कंपनी में 5:30 को ये है खत्म हो जाता है इवनिंग को। अच्छा। पर लोग 6:30 तक नहीं उठते। हाँ समझ सकती है, 6:30 तक नहीं उठते। हाँ। और मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, पर क्योंकि मैं नया नया बंदा हूँ ना तो नए लोग थोड़े उठ जाते हैं 6:30 ऐसे तक, उनको फोर्स नहीं करते। पर जो लोग 5-6 साल काम कर चुके हैं कंपनी में वो लोग मैं देखा हूँ कि रात के 10 बजे 11 बजे तक भी रुकते हैं काम करने के लिए। अच्छा कंपनी है, मतलब अगर जवान लोग जल्दी घर जा सकते हैं तो फिर भी अच्छा लगता है मुझे। ये एक बात अच्छी है मेरे कंपनी की, ये बात अच्छी है कि नए लोग थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं, पुराने लोग नहीं उठते, 10 बजे तक नहीं उठते मैं देखा हूँ। अच्छा अच्छा, और आपके कंपनी में अच्छा वर्क कल्चर या कुछ इंटरेस्टिंग चीज है तो आप बता सकते हैं? हाँ मेरे कंपनी के बारे में बताता हूँ, दूसरी कंपनियों का नहीं पता। मेरे कंपनी में जैपनीज लोगों का ये है कि काम करते समय लोगों से उतना बात नहीं करते, तो हमारे कंपनी में काम करने के बाद बियर फ्री है। काम करने के बाद एक बार है अंदर, तो उसके अंदर आप खुद जाइए और खुद बियर लीजिए, अनलिमिटेड बियर पी सकते हो आप। और जापान की सबसे जो टॉप ब्रांड है एबिस करके, उसकी बियर एबिस, और एबिस के अंदर भी बहुत महंगी है, और एबिस के अंदर भी बहुत सारे ब्रांड है, ब्लैक करके सबसे टॉप ब्रांड है वो कंपनी का। ये मतलब उनका फिलोसफी है कि लोग बात करे, लोग दूसरों से बात करे, तो काम करने के बाद लोग जाते हैं बार में
जी वर्क जितना चाहिए उतना पी सकते हैं. अच्छा, तो वो एक अच्छी बात है कंपनी की. मैं तो बहुत बार जाता हूँ. अच्छा, हर रोज अनलिमिटेड बियर पीते हो आप? हाँ, मैं हर रोज नहीं पीता हूँ. लोग मतलब सोचेंगे काम करने नहीं आता है, सिर्फ पीने आता है. मैं वीकली वंस जाता हूँ. अच्छा ठीक है. ओके, कि जापान में आपको लगता है कि काफी लंबे समय तक काम करना है या आप इतना नहीं है? कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा बहुत ज्यादा. कंपनी से कंपनी बहुत ज्यादा बदलेगा. तो इसमें होता है कुछ कंपनी में क्या होता है, ओवर टाइम आपका 45 घंटों तक का इंक्लूडेड होता है, जो आपका मीनाशी जांग्यो कहते हैं. उसमें जांग्यो वगैरह 45 आवर्स इंक्लूडेड होता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी 45 आवर्स 30 आवर्स. तो जो सामान्य काम करने के घंटे होते हैं जापान में होते हैं 9 से 5 ही अच्छे हैं. कंपनी में चलती रहती है, उसमें 1 घंटे का बीच में आपका लंच ब्रेक होता है. और जिस कंपनी में 45 आवर्स ओवर टाइम में इंक्लूड हो गया, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 9 से 8 बजे तक काम कर सकते हैं तो आपको कोई ओवर टाइम का नहीं मिलेगा. कुछ कंपनियां होती हैं जिसमें ओवर टाइम आपका सेपरेटली पेड होता है, तो उसमें 9 to 5 काम करने के बाद में जितना काम करेंगे. जहां तक मैं हूँ उसमें कुछ कंपनीज में ऐसा रहता है कि मतलब ठीक है आपको कुछ ओवर टाइम करना है, मतलब ऐसे भी है. ठीक है, यूजुअल कितने बजे ऑफिस से निकलते थे और मैक्सिमम कितने बजे तक काम किया है? अगर मैं टेक्निकल में हूँ तो सर्वर मेंटेनेंस वगैरह होती है, तो उसमें ये होता है कि रात भर रुकना पड़ता है. रात भर रुकने का मतलब क्या है कि आप मतलब सुबह से नहीं आते, आप आते हो लेट आफ्टरनून में आते हो या फिर इवनिंग में आते हो, फिर द होल नाइट एंड डू द मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग. तो नॉर्मली ओवर टाइम होता है. जापान के रूल्स ऐसे भी नहीं है कि आप पूरी रात काम कर सकें. यह होता है कि 9 बजे आ गए आप, 9 से 6 तक आपने काम किया और कुछ आप अर्जेंसी है तो उसमें आप 11 बजे तक काम कर सकते हैं. आप जापान का रूल बोलता है कि 5 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकते एक दिन में. और अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको मैनेजर का अप्रूवल चाहिए होता है. क्योंकि फिर मतलब बहुत सारे इनका क्या बोलते हैं, लेबर यूनियन समथिंग. तो इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छे कंपनीज में ही काम किया है. इसमें कैसा लगा मुझे? और ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि अगर आप 5 घंटे से ज्यादा रेगुलरली काम कर ओवर टाइम कर रहे हैं तो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं. और जापान में तो डाइंग फ्रॉम खारोशी, यस नॉट कोरोशी, खारोशी न्यूज में आ जाते हैं. रिसेंट मतलब रिसेंटली नहीं, मतलब कुछ केसेस आ जाते हैं हर साल 1-2 न्यूज में. तो और मैनेजर आपको रेयरली या हार्डली कहेगा एवरी डे तो रुकने के लिए, बट अगर कुछ अर्जेंसी आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो उसमें ऑब्वियसली मतलब 5 घंटे से ज्यादा भी हो सकते हैं. लेकिन उस केस में भी ऐसा होता है कि अगर आप देर तक रुकते हो तो कंपनी आपको टैक्सी वगैरह तक का सबका पे करती है. अच्छे से करते हैं. हाँ, ये एक डिफरेंस आ गया इसमें कि जापानीज कंपनीज का कल्चर और इंडियन कंपनीज का कल्चर. जापानीज कंपनीज में लोग थोड़ा काम से काम रखते हैं और इंडिया में थोड़ा मतलब सोशल भी ज्यादा होते हैं. कंपनीज में हो तो आप जैसे कि एक दूसरे घर भी आ जाते हैं, खाने वाने साथ में चले जाते हैं. जापानीज कंपनी में वो थोड़ा लिमिटेड है, बहुत ही कम है. लेकिन मतलब नोबिकाई वगैरह करके काम के बाद नोमिकाई वाले सब अपने घर जाते हैं. मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी. नोमिकाई हो गया, उसमें हो गया. और अगर आपने किया है इंडिया में काम, इंडिया में ये होता है कि मतलब लोग थोड़े घुले मुले होते हैं साथ में. अगर आप न्यू ज्वाइनर है तो लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं फ्लैट शेयर वगैरह भी करते हैं. मतलब शेयरिंग काफी ज्यादा है इंडिया में. अच्छा अच्छा, अभी के कंपनी में नोमिकाई वगैरह है कि नहीं? ये तो कल्चर है भाई, इसमें जापान का कल्चर है तो नोमिकाई और वगैरह क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जापान में. ये जो पार्टी होते हैं इसमें वैसे होता है कि कोई न्यू ज्वाइनिंग की किसी ने पार्टी में और फिर सोबित्सुकाई होगी, फिर बोनेनकाई, ऐसी न्यू ईयर, मतलब बहुत सारी हैं ऐसी आती रहती हैं धीरे धीरे. सही है. फिर प्रोजेक्ट आ गया, आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, फिर उसकी पार्टी, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, किक ऑफ की पार्टी, मतलब चलते रहते हैं ऐसे. लगता है आपके कंपनीज में बहुत ही नोमिकाइज हैं. सुन के लगा. मेरे वीडियोस देखने वालों में से बहुत लोग कहते हैं कि मैं जापान में इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ. तो इन लोगों के लिए आप कुछ एडवाइस बता सकते हैं कि क्या करना होगा? अगर जो इंडिया में ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियर है, जॉब कर रहा है, मैं उसे बोलूंगा कि उसको अपना एज ना देखे, वो कितने भी साल का हो,
अपनी इंजीनियरिंग करते अपना जॉब करते करते सैटरडे संडे को जैपनी सीखे और N2 या N1 तक की लेवल क्लियर करे, फिर जापान में जॉब अप्लाई करे. क्योंकि यहाँ पे मेरी कंपनी खुद मतलब एक आदमी को लिया है जो 32 इयर्स का है, उसने इंडिया में जॉब करते करते जापनी सीखी और जॉब अप्लाई किया और जापान आ गया. अब जापान मेरी कंपनी में काम करता है वो. अच्छा, तो एक प्रोसेस ये है, इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और जापनीज अच्छी हो गई तो जापान आ सकते हो. क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए लोग नहीं है, यहाँ पे तो लोगों की बहुत कमी है. अगर आपको जापनीज आती है और टेक्निकल में आप स्ट्रॉन्ग हो तो इट्स वेरी इजी टू कम जापान, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, और अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जापनीज पे कॉन्सेंट्रेट करें, सैटरडे संडे जापनीज सीखे या कुछ करे फोर्थ ईयर तक, N2 क्लियर करके रखे कम से कम. अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एम कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन से पहले आप जापनीज अच्छी कर ले अपनी. क्योंकि बाद में अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की जॉब नहीं भी मिलती है, यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया या ह्यूमन रिसोर्स HR का जॉब है, तो वैसे बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सेक्सी जॉब्स हैं यहाँ पे. तो जापानीज बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है. ठीक है, समझ गए. ठीक है, चलो ठीक है. तो आपके आंसर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो जूनियर वालों के लिए तो मैं क्या ही एडवाइस दूं, बट उनमें है कि अगर अगर आपको जापान अभी से यहाँ पे काम करने की सोच रहे हैं, जापान में काम करने की सोच रहे हैं या फिर जापानी कंपनी के साथ में काम करने की सोच रहे हैं, तो अभी स्कूल के साथ साथ कहीं से क्या बोलते हैं जापानी भाषा भी सीख लो तो बेटर रहेगा. हाँ, ये है. बाकी है कि अगर आप जापानीज भाषा सीख लेंगे तो आप इंडिया में भी जापानीज में सर्च कर सकते हैं सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज. जब इंग्लिश में थोड़ा कम है क्योंकि जापानीज कंपनी भी इतना इंग्लिश में थोड़ा नहीं डालती. अगर आप जापानीज में अच्छे से सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली कंपनीज को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी. चलो, कैसा लगा? आपको पता चला होगा जापान में जॉब ढूंढना कैसा होता है और जॉब करना कैसा होता है. ठीक है, जापान में काम करने का मौका है, जापानी कंपनीज को काम करने वालों की कमी है, इसलिए काम ढूंढ सकते हैं. विशेष रूप से इंजीनियर्स की कमी है जापान में. ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या इंडिया में अभी काम कर रहे हैं तो आप जापान में अच्छा मौका ढूंढ सकते हैं, तो कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपको जापानीज आती है तो ज्यादा अच्छा मौका होगा, तो आप कम से कम N5 या N4 या N3 आप पास कर सकते हैं और उसके बाद जापान में काम कर सकते हैं. अगर आपको जापानी सीखना हो तो मेरे पास और एक YouTube चैनल है, जापानी है सिखानी, वहाँ पे मैं जापानी सिखा रही हूँ, तो वहाँ जाके चेक कीजिए या तो कोई भी वेबसाइट YouTube चैनल क्लासेस ले सकते हैं, तो कोशिश कीजिए. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद, फिर मिलेंगे, मतलब बाय बाय.